हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आ गया हूं एक बहुत ही गंभीर विषय पे एक ब्लॉग लेकर। तो बिना किसी देरी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाइयों, मैं नहीं मानता था इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ मतलब जैसे कि भूत प्रेत वगैरह, पर इस वीडियो को देखकर मेरे तो समझ में आ गई है, आप लोगों के भी समझ में आ जाएगी कि हाँ होते हैं ये लोग होते हैं, पर दिखते नहीं हैं, कैमरे में दिख जाते हैं। तो ये आज का जो ब्लॉग है इसी चीज़ के ऊपर है। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मतलब मैंने शूट नहीं करी थी, मेरे भाई गए थे उस जगह पर। ये वीडियो है शिकारपुर में, एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है बारह खम्बा वहाँ की। तो मतलब वहाँ ग्रेव्स हैं, मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों की वहाँ कब्रें हैं। तो उसका वीडियो मतलब वो गए थे अपनी ऐसी लाइटिंग वाइटिंग दिखाने के, वहाँ पर लाइट वाइट लगी हुई है, तो अचानक से वो कैमरे में कैद हो गई है। तो बिना किसी देरी के आप पहले उस वीडियो को देखिए। ये इस टाइम हम बारह खम्बे पे आए हुए हैं, लाइट चालू हो गई है बारह खम्बे की, ये देखिए बारह। ये कोई है मान भाई, कौन है ये सफेद कपड़ों में, कोई है क्या? ये मुझे ही दिख रहा है ऐसा। भैया कोई है? तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई, इस वीडियो से आप क्या समझे और समझे हो तो अपने और सब लोगों को भी शेयर कर देना ये वीडियो, कि ऐसी सुनसान जगहों पे रात बिरात में जाना सही नहीं है, और वो भी खासकर अकेले। तो भाई, हमारे जो भाई हैं वो तो इसलिए गए थे, और वो हमारी जगह भी है, मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग वहाँ पे हमारे उनकी कब्र है, तो वहाँ पे हम जाते हैं। पर भाई हमारे रात को चले गए थे, और वो भी लाइट लगवाई थी उन्होंने, तो वो देखने गए थे क्या अंधेरा तो नहीं है ज़्यादा उधर। और जब लाइट दिखाने के बाद उन्होंने मेन स्पॉट पर कैमरा किया तो वो कैप्चर हो गए जो भी थे वो। आप देखना उस वीडियो में गौर से, ना ही तो उनका सर था और ना ही हाथ हैं, बस वो चलते हुए जा रही, और एक जगह पे जाकर वो रुक गए हैं, मतलब अंधेरी वाली जगह पे जाके वो रुक गए हैं। वो भी बहुत हल्का वीडियो में आया, मैंने एरो बना दिया उस जगह का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।